आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के आरक्षण के लिए पात्रता निर्धारित करने के केंद्र सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई है। ईडब्ल्यूएस के लिए 8 लाख रुपए की वार्षिक आय के मानदंड को अपनाने के अपने फैसले पर सरकार को सुप्रीम कोर्ट के कड़े सवालों का सामना करना पड़ा। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस बी नागरत्ना की पीठ ने इस मुद्दे पर केंद्र द्वारा हलफनामा दाखिल नहीं करने पर नाखुशी व्यक्त की। हालांकि कोर्ट ने पिछली सुनवाई की तारीख 7 अक्टूबर को ईडब्ल्यूएस मानदंड के बारे में कई संदेह उठाए थे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन की सरकार राज्य के मंदिरों का सोना पिघलाने की योजना लेकर आई है। इन्हें पिघलाकर 24 कैरेट के गोल्ड बार्स बनाए जाएंगे। राज्य सरकार का ये कहना है कि ये वो सोना है जो मंदिरों के नियंत्रण में है और जिनका उपयोग नहीं हो पा रहा है। सबसे पहले तिरुवरकाडु के श्री कुमारी अम्मन मंदिर, समयपुरम के मरियम्मन मंदिर और युरुक्कनकुडी के मरियम्मन मंदिर पर सरकार की नज़र है। आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव का अलीगढ़ में महासंग्राम शुरू हो गया है। बहुजन समाज पार्टी ने अलीगढ़ की विधानसभा सीट छर्रा से तिलक राज यादव को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। कार्यकर्ता सम्मेलन में पधारे बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मुनकाद अली ने मंच से तिलक राज यादव को छर्रा विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी घोषित कर दिया। तिलक राज यादव के प्रत्याशी घोषित होते ही जय भीम, बाबा साहेब अम्बेडकर, कांशीराम अमर, मायावती जिंदाबाद के नारे लगने लगे। अलीगढ़ के बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में राष्ट्रीय महासचिव मुनकाद अली ने कहा कि बहन कुमारी मायावती जी ने छर्रा से तिलक राज यादव को बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। तिलक राज यादव को जिताकर बहन मायावती को मुख्यमंत्री बनाए। इस सीट पर पहली बार 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बाजी मारी थी। समाजवादी पार्टी के राकेश कुमार 54,150 वोटों के साथ पहले स्थान पर रहे। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के मूलचंद बघेल को 4,786 वोटों से हराया। पंजाब में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस हाईकमान ने बड़ा फैसला लिया है। हाईकमान ने हरीश चौधरी को पंजाब व चंडीगढ़ कांग्रेस प्रभारी नियुक्त कर दिया है। वहीं अब तक इस पद पर तैनात हरीश रावत को जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया है। हरीश चौधरी राजस्थान के राजस्व मंत्री है और वे 2017 में पंजाब के सह प्रभारी भी रहे हैं। गुजरात कांग्रेस के नेताओं ने पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से राजधानी दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल और निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी ने पार्टी प्रदेश इकाई के नए प्रमुख समेत कई मुद्दे को लेकर राहुल गांधी से बातचीत की। कांग्रेस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पार्टी आलाकमान जल्द ही प्रदेश कांग्रेस प्रमुख की नियुक्ति कर सकती है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक गुजरात कांग्रेस प्रमुख की जिम्मेदारी शक्ति सिंह गोहिल को सौंपी जा सकती है, जबकि चुनाव प्रचार समिति का जिम्मा हार्दिक पटेल के कंधों पर आ सकता है। बिहार में महागठबंधन का कुनबा पूरी तरह से बिखरता नजर आ रहा है। दो सीटों पर जारी उपचुनाव के बीच कांग्रेस और राजद के बीच तकरार अब चरम पर है। बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास ने बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव अकेले 40 सीटों पर पूरी ताकत से लड़ेगी। इसके साथ ही उन्होंने राजद पर साथ नहीं देने का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर हमेशा उत्सव मनाने में ही मगन रहने का आरोप लगाते हुए ये कहा कि ये पार्टी आपदा में अवसर तलाशने का कोई मौका नहीं चूकती। अखिलेश ने एक बयान में कहा कि भारतीय जनता पार्टी अजीबोगरीब पार्टी है, कोई जिए या मरे, चाहे जैसी आपदा आए, भाजपा हमेशा उत्सव मनाने में ही मगन रहती है। वह अपनी आदत से मजबूर है, आपदा में भी उसे अवसर और उत्सव उत्साह का आयोजन करना अच्छा लगता है। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने फिर केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। खास बात यह है कि सत्यपाल मलिक ने जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहने के दौरान कई खुलासे किए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल उनकी एक वीडियो क्लिप में वह दो फाइलों का जिक्र करते हैं, जिसमें अंबानी और आरएसएस और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के मंत्री का जिक्र भी कर रहे हैं। इस फाइलों में घपलों का हवाला देते हुए कैंसिल करने का भी वह दावा कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने मोदी सरकार को चेताया भी है कि वह इसी तरह बेधड़क बोलते रहेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा से योगेंद्र यादव को एक महीने के लिए निलंबित किया गया है। लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ता शुभम मिश्रा के घर संवेदना प्रकट करने के लिए जाने के कारण योगेंद्र यादव पर यह कार्रवाई की गई है। पंजाब के किसान संगठनों के द्वारा की गई मांग के बाद संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में यह फैसला हुआ। भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि बौद्ध स्तूपों पर कब्जा कर उस पर मंदिर बनाने की आपराधिक कोशिश बंद होनी चाहिए। फर्रुखाबाद के संकिसा बौद्ध स्तूप पर बौद्धों का हक है, प्रशासन डराने की धमकाने की नीति बंद करें। एक भी युवक पर फर्जी केस वे बर्दाश्त नहीं करेंगे। दरअसल संकिसा के बौद्ध स्तूप पर मनुवादी हक जता रहे हैं।
तेजी से कम हो रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन में बड़ी राहत देने का फैसला किया है। आज से महाराष्ट्र में बड़ा अनलॉक होने जा रहा है। सरकार की ओर से जारी की गई नई गाइडलाइन के मुताबिक कुछ शर्तों के साथ सिनेमा हॉल और एम्यूजमेंट पार्कों को खोला जा रहा है। साथ ही रेस्टोरेंट, दुकानों और भोजनालयों का समय भी बढ़ाने की अनुमति दी जा रही है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने यह फैसला महाराष्ट्र कोविड-19 टास्क फोर्स के साथ हुई बैठक के बाद लिया है। अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण में जुटी टाटा ग्रुप आने वाले दिनों में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खर्च का हिसाब किताब भी रखेगी। हालांकि शुरुआत में केवल श्री राम मंदिर निर्माण पर होने वाले खर्च और उससे जुड़ी राशि से संबंधित अकाउंट को लेकर TCS काम करेगी, लेकिन उनके प्रदर्शन के आधार पर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खाते की पूरी जिम्मेदारी भी TCS को दी जाएगी, ये अभी साफ नहीं है। झारखंड हाईकोर्ट ने धनबाद सिविल कोर्ट के जज उत्तम आनंद की मौत के मामले में CBI को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि CBI सचिवालय के बाबुओं की तरह काम कर रही है। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। रवि रंजन ने कहा कि तबीयत खराब होने के बावजूद वही इस केस को सुन रहे हैं क्योंकि ये मामला काफी गंभीर है। इस केस पर पूरे देश की नजर बनी हुई है, सुप्रीम कोर्ट की भी नजर है और हाईकोर्ट उसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। CBI की जाँच में गंभीरता नजर नहीं आ रही है। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ की तबीयत खराब हुई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब वह विंडसर कासल लौट कर आई है। मेडिकल टेस्ट के बाद उन्हें कुछ दिन आराम करने को कहा गया है। एलिजाबेथ 95 साल की है और 1952 से ब्रिटेन की शाही गद्दी संभाल रही है। इसी साल अप्रैल में उनके पति प्रिंस फिलिप की 99 वर्ष की उम्र में मृत्यु हुई थी। चीन ने कहा कि ताइवान के मुद्दे पर समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि अगर ताइवान पर हमला होता है तो अमेरिका उसकी रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। CNN द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में एक दिन पहले बाइडेन ने यह बयान दिया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने चीन के पुराने रुख को दोहराते हुए ये कहा कि ताइवान उनका क्षेत्र है। ब्राजील ने दक्षिण अमेरिकी विश्व कप फुटबॉल क्वालिफायर मैच में उरुग्वे को 4-1 से हरा दिया, जबकि दूसरे स्थान पर काबिज अर्जेंटीना ने पेरू को मात दी। शीर्ष पर काबिज ब्राजील के लिए नेमान और रापिन्हा ने गोल दागे। अर्जेंटीना के लिए लियोनेल मेस्सी फॉर्म में नहीं थे, लेकिन उनकी टीम ने 1-0 से मुकाबला जीत लिया। ब्राजील के अब 31 अंक है। नवंबर में यहां कोलंबिया के खिलाफ मुकाबला जीत कर ब्राजील कतर में अगले साल होने वाले विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर लेगा। जॉन अब्राहम की बहुप्रतीक्षित फिल्म सत्यमेव जयते 2 सिनेमा घरों में रिलीज के लिए तैयार है। हालांकि जॉन अब्राहम के फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, ये फिल्म जहां पहले 26 नवंबर को रिलीज होने वाली थी, अब इसकी रिलीज डेट को बदलकर 25 नवंबर कर दिया गया है। इसकी घोषणा जॉन अब्राहम ने खुद अपने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए की है। गोवा में होने वाले 52वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में अमेरिकी फिल्म डायरेक्टर मार्टिन स्कॉर्सेसे और हंगेरियन फिल्म डायरेक्टर इस्तेवान स्जाबो को सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा जाएगा। 20 से 28 नवंबर तक गोवा में इस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। पहली बार फेस्टिवल में OTT कंपनियों को भी शामिल होने का न्योता दिया गया है।